एनआईए और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर कानपुर से 100 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खेल के तार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत विदेशों से भी जुड़े हुए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानपुर पुलिस को एक बंद घर में बड़ी मात्रा में पुराने नोटों के होने की खबर के बाद रेम पता चला। पहले 80 करोड़ की कीमत के नोट बरामद हुए और अब ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच गया है। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों और आयकर विभाग का दल शीघ्र ही जब्त कर राशि का सटीक जानकारी देगा। पुलिस ने ये भी बताया कि गिरफ्तारी किए गए एक शख्स का रिश्तेदार आरबीआई में काम करता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हम इस मामले में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की दिशा में भी जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि यह छापेमारी कानपुर के सीसामऊ इलाके में की गई है और स्वरूप नगर पॉकेट के एक होटल से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक आलोक सिंह इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। दरअसल एनआईए को जानकारी मिली थी कि यूपी में कानपुर समेत कई जिलों में मनी चेंजर गैंग सक्रिय है, जो औने पौने दाम पर पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदल रहा है।